आज 17 सितंबर यानी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 1950 में पैदा हुए पीएम नरेंद्र मोदी 73 साल के हो चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी की सैलरी कितनी है और पीएम के तौर पर उनको कितना वेतन मिलता है? आइए जानते हैं। भारत की पीएम की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के जरिए की जाती है, जो राज्य का प्रमुख होता है और आमतौर पर उस राजनीतिक दल या गठबंधन का नेता होता है जिसके पास लोकसभा में सबसे अधिक सीटें होती हैं। पीएम की भूमिका सरकार का नेतृत्व करना और उसकी नीतियों और कार्यक्रमों की देखरेख करना है। पीएम मोदी के कार्यों की बात की जाए तो पीएम कैबिनेट में अन्य मंत्रियों के चयन और पर्यवेक्षण और उनके काम के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। पीएम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और विदेश नीति के संचालन की भी जिम्मेदारी होती है। भारत के पीएम के वेतन की बात की जाए तो वर्तमान में उनका वेतन करीब 19 से 20 लाख रुपए सालाना के आसपास है। ऐसे में भारत के पीएम का मासिक वेतन करीब 1.62 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। इस मासिक वेतन में बेसिक पे, दैनिक भत्ता, सांसद भत्ता और कई अन्य भत्ते भी शामिल रहते हैं। पीएम कार्यालय की वेबसाइट पर मार्च 2022 तक आय और संपत्ति के विवरण के अनुसार पीएम मोदी के पास 2.23 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जिसमें ज्यादातर बैंक जमा शामिल है। पीएमओ के खुलासे से पता चला है कि उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और गांधीनगर में उनकी जमीन पीएम मोदी के जरिए दान कर दी गई है। पीएम मोदी मई 2014 से भारत के 14वें पीएम के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम थे। वर्तमान में वो वाराणसी से संसद सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय समन्वयक संघ के सदस्य हैं।